नमस्कार कक्षा बारहवीं वाले छात्र, अपना इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 80 अंकों का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक पेसेज दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको परीक्षा में पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर टीच। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला। इन सभी के आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पेसेज में से छाट कर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर वाज अ टीचर ऑफ। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ए वाला, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला, राजा ऑफ कोल्हापुर। चौथा आपका दिया है, चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला। इसके साथ यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, पांचवे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर सिक्स वाला आपका क्वेश्चन दिया है, तो सिक्स वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा ए वाला। और इसके साथ यहाँ पर सेवन वाला क्वेश्चन आपका दिया है, तो सेवन वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर सेवन के बाद आपका एट वाला क्वेश्चन दिया है, तो एट वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर नाइन वाला क्वेश्चन आपका दिया है, तो नाइन वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला, 2 ईयर्स। टेन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, टेन वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला, जिससे आपके 10 नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। तो इसमें भी आपको एक पेसेज दिया है, ठीक है। पेसेज में क्या करना होगा आपको, तो इस पेसेज में आपको सबसे पहले टाइटल लिखना होगा, टाइटल के बाद आपको नोट्स बना के लिखना है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में किस प्रकार से आपको टाइटल एंड नोट्स लिखना है। तो इसका टाइटल आपका हो जाएगा वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ये हमारा टाइटल हो जाएगा, और नोट्स आपको बना के लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पोस्टर बना के लिखना होगा पहले क्वेश्चन में, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके और वाले क्वेश्चन में आपको विज्ञापन तैयार करना है। किसका करना है? लोकल न्यूज़पेपर का आपको एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट देना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना होगा, और इसके और वाले क्वेश्चन में भी आपको एक लेटर लिखना है। तो लेटर 2 तरह के आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा इनफॉर्मल आता है, ठीक है, और एक हमारा फॉर्मल लेटर आता है, ठीक है। दोनों आपको लिखना होगा, तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जिसमें क्या करना होगा आपको, किसी एक टॉपिक पर एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के लिखना होगा 120 वर्ड में, 120 शब्दों में, जिससे 4 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसके और वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, NSS कैंप की आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होगा इन पॉइंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन सी से ग्रामर वाला क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना है any 5। तो आपको 6 यहाँ पर क्वेश्चन दिए, 6 में से सिर्फ आपको 5 के जवाब देना होगा एग्जाम में। पहला देख लीजिएगा, पहले में आपको ए इन द का प्रयोग करना होगा। तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा अन, ठीक है, लिख लीजिएगा। और दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा विथ, और तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा डज। और डी वाला आपका दिया, डी वाले में आपको मेनी लिखना होगा, लिख लीजिएगा। और ई वाले में आपको लिखना होगा वर्किंग, और इसके साथ यहाँ पर एफ वाला आपका दिया है, तो एफ वाले में आपको लिखना होगा ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। डू अस डायरेक्टेड एनी फैक्ट, निर्देश के अनुसार आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है जिसमें क्या करना होगा, अस सन, अस के स्थान पर आपको नो सेनर देन का प्रयोग करना होगा, तो इसका आंसर आपको बता देंगे। और बी वाला देख लीजिएगा, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बदलना होगा। और सी वाला देख लीजिएगा जिसमें टू का प्रयोग आपको करना होगा। डी वाला देख लीजिएगा इसमें अनलेस के स्थान पर आपको इफ का प्रयोग करना होगा। और ई वाला देख लीजिएगा जिसमें क्लाउज का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और ए पोल आपका दिया है इसमें क्या करना होगा, आपको करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट, मतलब आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना होगा, सही करके लिखना होगा, तो इनके आंसर बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब आपको एक पेसेज यहाँ पर दिया गया है, एक गद्यांश आपको दिया हुआ है जिनके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले आप सभी इस गद्यांश को, इस पेसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। इस पेसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला देख लीजिएगा, तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। और दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला। और फोर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, फोर वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला, द विलेज पीपल। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा फाइव वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो फाइव वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या दिया आपको, एक काव्यांश दिया है, ठीक है, एक काव्यांश यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इस काव्यांश को आप सभी पढ़ लीजिएगा, मतलब पॉइंट्स की लाइन यहाँ पर दी गई है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, जो कीपिंग क्वाइट है इसके कवि का नाम क्या है ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा आपका दिया है, वाट डज द पोएट वांट अदर्स डू टू डू, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ए वाला। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक पेसेस आपको दिया हुआ है, एक गद्यांश आपको दिया गया है, तो इस गद्यांश को आप सभी पढ़ लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इस पेसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु इज आई इन दिस लाइन्स, आई किसके लिए बोला गया है, बताया गया है, ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा ए वाला, द टाइगर किंग। इसके साथ यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज, तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा ए वाला, द टाइगर किंग। और तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला। और फोर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, फोर वाले क्वेश्चन में
राइट आंसर लिखना होगा डी वाला, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनके आंसर आपको 30 वर्ड में देने होंगे। 30 वर्ड में आपको इनके आंसर लिखना होगा परीक्षा में, जो 10 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए, 6 में से सिर्फ आपको 5 के आंसर देना होगा परीक्षा में। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इनके आंसर आपको 30 वर्ड में देने होंगे। तो देख लीजिएगा, आपको 4 क्वेश्चन दिए, 4ों में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए, 3ों में से सिर्फ आपको 2 के जवाब देने होंगे, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनके आंसर आपको क्या करना है, 75 वर्ड में देना है। 3 क्वेश्चन दिए, 3ों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोएम है, इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। और इसका और वाला क्वेश्चन आपका दिया है, तो इसमें भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो इनके आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा एग्जाम में, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी इंग्लिश विषय का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था पेसेस वाला, जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है, तो इनके आंसर दिए गए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा, नोट्स बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप पॉइंट के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, और इसको बनाने के बाद आपको टाइटल लिखना होगा। तो टाइटल देख लीजिएगा, पावर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ये हमारा टाइटल शीर्षक हो जाएगा। इसके साथ ही आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें डू अस डायरेक्टेड करना है। इनको देखने के बाद आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, और बी का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का और वाला का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा, मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर में क्या करना होगा आपको, जो डेट है ये चेंज कर देना है, ठीक है, और इसके साथ ही जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, जिला आपको है, वो यहाँ पर लिख देना है, और नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिएगा, इसमें द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के लिखना होगा, देख लीजिएगा आंसर। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का पहले का आंसर आपको दिया हुआ है, और दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसके साथ ही आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे के बाद आप सभी को चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। चौथे के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को पांचवे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पांचवे के बाद हम चलेंगे यहाँ पर छठे क्वेश्चन के आंसर पर। छठे के बाद आप सभी को 11वें क्वेश्चन का पहले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का पहले का आंसर देख लीजिएगा। पहले के बाद आप सभी को दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
अब आगे हम चलेंगे तो आप सभी को तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और 13वें क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको दिया है, और इसके साथ ही आप सभी को दूसरे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और तीसरे का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे भी यहाँ पर 14वें प्रश्न का पहले का आंसर देख लीजिएगा, और इसके साथ ही आपको इसका और वाला का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी 15वें क्वेश्चन का पहला एंड इसका और वाला का आंसर देख लीजिएगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरे क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आप इंग्लिश विषय में, अंग्रेजी विषय में 80 में से 80 अंक लेकर आ जाए, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।